हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस स्टूडेंट टुडे वी विल सी हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर नंबर ट्वेंटी फूड एंड फन सो लेट्स गेट स्टार्टेड डोरबेल डी डबल ओ आर बी ई डबल एल डोरबेल मतलब दरवाजे की घंटी ओपन ओ पी ई एन ई डी ओपन मतलब खुल गया एक्साइटेडली ई एक्स सी आई टी ई डी एल वाई एक्साइटेडली मतलब उत्साह से नेक्स्ट इज हग्ड एच यू डबल जी ई डी हग्ड हग्ड मतलब गले लगाया नेक्स्ट इज हैप्पीली एच ए डबल पी आई एल वाई हैप्पीली मतलब खुशी से नेक्स्ट हॉस्टेल एच ओ एस टी ई एल हॉस्टेल मतलब छात्रावास नेक्स्ट पेरेंट्स पी ए आर ई एन टी एस पेरेंट्स मतलब माता पिता जो हमारे माता पिता होते हैं उन्हें कहते हैं पेरेंट्स नेक्स्ट गुरुद्वारा जी यू आर यू डी डब्ल्यू ए आर ए गुरुद्वारा गुरुद्वारा मतलब जो सिख पीपल होते हैं वो वर्शिप के लिए जहाँ पर जाते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं गुरुद्वारा कहते हैं नेक्स्ट वैकेशन वी ए सी ए टी आई ओ एन एस वैकेशन वैकेशन मतलब छुट्टियाँ नेक्स्ट मिसिंग एम आई डबल एस आई एन जी मिसिंग मतलब लापता नेक्स्ट चिल्ड्रन C H I L D R E N स्टूडेंट्स यहाँ पर चिल्ड्रंस के स्पेलिंग में L रह गया है तो आप लोगों को लिखना है C H I L D R E N चिल्ड्रन चिल्ड्रन मतलब बाल बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं चिल्ड्रन नेक्स्ट फिनिश्ड F I N I S H E D फिनिश्ड मतलब खत्म होना नेक्स्ट लाफिंगली एल ए यू जी एच आई एन जी एल वाई लाफिंगली मतलब हंसते हुए हंसना नेक्स्ट बोर्डिंग बी ओ ए आर डी आई एन जी बोर्डिंग बोर्डिंग मतलब लाइक हॉस्टल छात्रावास की तरह ये बोर्डिंग होती है तो स्टूडेंट्स लिव एट स्कूल ड्यूरिंग द सेमिस्टर इन रिटर्न फॉर पेमेंट तो उसे कहते हैं बोर्डिंग नेक्स्ट कवर्ड सी ओ वी ई आर ई डी कवर्ड मतलब ढका हुआ किचन के आई टी सी एच ई एन किचन मतलब रसोई घर नेक्स्ट इज एक्टिविटी ए सी टी आई वी आई टी वाई एक्टिविटी मतलब गतिविधि या फिर कोई प्रवृत्ति उसे कहते हैं एक्टिविटी नेक्स्ट इज वेसल्स वी ई डबल एस ई एल एस वेसल्स मतलब बर्तन नेक्स्ट बॉयलिंग बी ओ आई एल आई एन जी बॉयिंग मतलब उबल रहा है उसे कहते हैं बॉयलिंग नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स वी ई जी ई टी ए बी एल ई वेजिटेबल मतलब सब्जी नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग पी आर ई पी ए आर आई एन जी प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी नेक्स्ट हलवा एच ए एल डब्ल्यू ए हलवा स्वीट डिश है एक प्रकार की क्या है हलवा स्वीट डिश है तो आप सभी लोगों ने हलवा खाया ही होगा राइट स्टूडेंट नेक्स्ट रश आर यू एस एच ई डी रस्ट मतलब जल्दी से पहुंचना भागा भागा नेक्स्ट इज रोलिंग आर ओ डबल एल आई एन जी रोलिंग मतलब बेलना यहाँ पर रोलिंग का क्या मतलब है बेलना जो रोटी बेलते हैं उसे कहते हैं रोलिंग नेक्स्ट इज एवरी वन ई वी ई आर वाई ओ एन एवरी वन मतलब हर कोई नेक्स्ट अप्लाइंग ए डबल पी एल वाई आई एन जी अप्लाइंग मतलब उस जो कोई चीज़ होती है उसके अगर हम उसके ऊपर हम कोई चीज़ रखते हैं अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं अप्लाइंग यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं अप्लाइन चपातीस सी एच ए पी ए टी आई एस चपातीस मतलब रोटी नेक्स्ट एक्सक्लेम ई एक्स सी एल ए आई एम ई डी एक्सक्लेम मतलब कहा नेक्स्ट इज मटेरियल एम ए टी ई आर आई ए एल मटेरियल मीन्स सामग्री नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रीब्यूट्स सी ओ एन टी आर आई बी यू टी ई एस कॉन्ट्रीब्यूट्स मतलब योगदान नेक्स्ट इज अरेंज ए डबल ए सॉरी ए डबल आर ए एन जी ई अरेन्ज मतलब व्यवस्था नेक्स्ट इज हार्डली एच ए आर डी एल वाई हार्डली मतलब मुश्किल से कठिनाई से नेक्स्ट इज़ रियलाइज आर ई एल आई एस ई डी रियलाइज मतलब एहसास हुआ नेक्स्ट इज अरदास ए आर डी ए डबल एस अरदास मींस प्रेयर या फिर प्रार्थना गुरुद्वारा में जो गुरु की प्रार्थना की जाती है उसे क्या कहते हैं अरदास कहते हैं नेक्स्ट इज क्विकली क्यू यू आई सी के एल वाई क्विकली मतलब जल्दी से नेक्स्ट इज वेरेंडा -E बरामदा जो खुली जगह होती है उसे कहते हैं सॉरी बरामदा का क्या मतलब होता है बरामदा सो so, स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को सारे हार्डवर्ड समझ में आ गए होंगे तो ये सारे हार्डवर्ड्स आप लोगों को ईवीएस की नोटबुक में फाइव टाइम्स लिखने हैं यू हैव टू राइट फाइव टाइम्स योर ईवीएस Notebook and learn also. Okay, student. And you have to write in a good handwriting. Bye bye, student. Thank you.